Assalamu alaikum, I am Haseeb. I study in class inter from Khansa Academy. Today is my presentation. My presentation topic is Human Skeleton. आज मैं आपको Human Skeleton के बारे में बताऊंगा. Human है Endoskeleton. Human के अंदर Endoskeleton पाया जाता है. It consists in 206 bone, जो कि 206 हड्डियों पर मुश्तमिल होता है. It divided into two skeleton, जो दो skeleton के अंदर divide होता है. Number one, axial skeleton. Number two, appendicular skeleton. अक्सर स्केलेटन हमारा हमारे स्कल से लेकर हमारे पॉकेट्स यानी हमारी टेल बोन तक होता है. हमारे स्कल के दो पार्ट होते हैं, एक क्रेनियम दूसरा फेशियल. हमारे क्रेनियम के अंदर 8 बोन होती है और हमारे फेशियल के अंदर 7 बोन होती है. एक मेडिबल बोन होती है जो कि मूवेबल होती है, जो मूव करती है, जिसे हम लोअर जॉस भी कह सकते हैं. उसके बाद हमारी रिब्स आ जाती है जो प्रोटेक्ट करती है हमारे लंग्स, हमारे हार्ट इस तरह. और अक्सर स्केलेटन को हम इट्स प्रोटेक्टिव इन नेचर, मतलब ये नेचुरली प्रोटेक्ट करता है. जिस तरह हमारा ब्रेन बॉक्स हमारे मतलब ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, हमारी रिब्स हमारे लंग्स को हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करती है इस तरह. उसके बाद हमारे पास अपेंडिकुलर स्केलेटन है. अपेंडिकुलर स्केलेटन, अपेंडिकुलर वर्ड जो है अपेंडिजिस से निकला है. अपेंडिजिस की मीनिंग है लेग. इट कंसिस्ट इन टू 126 बोन, ये 126 हड्डियों पर मुश्तमिल होता है. नंबर वन पेक्टोरल गिर्डर, पेक्टोरल गिर्डर जो होता है. उसके बाद स्कैपुला, शोल्डर बोन जिसे हम शोल्डर बोन कहते हैं. क्लेविकल यानी ब्यूटी बोन, हम इसे ब्यूटी बोन भी कहते हैं. और जो है हमारा जो पेक्टोरल गिर्डर है इसके अंदर हमारी आर्म साइड यानी हमारी बाजू और हमारी लेग जो होती है वो अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर आती है. और हमारी जो बाजू होती है वो 32 बोन पर कंसिस्ट होती है और दोनों बाजू की हमारी 64 बोन होती है. उसके बाद पेल्विस गिर्डर, बोन्स ऑफ लेग जो हमारी लेग के बोन के बारे में बताया, जिसके हमारी एक लेग के अंदर 31 बोन होती हैं तो हमारी दोनों लेग के अंदर 62 बोन होती है. और हमारे ह्यूमन स्केलेटन के अंदर जो सबसे थिक बोन यानी लंबी बोन होती है वो फीमर होती है, जिसे हम जो हमारी टांग के अंदर पाई जाती है. उसके बाद टार्सल, मेटाटार्सल, फिलेंजेस ये हमारी जो होती है लेग के अंदर आती है. और हमारे ह्यूमन स्केलेटन जो होता है उसका काम मेन जो उसका रोल होता है वो मूवमेंट करना होता है. तो आज का हमारा यही टॉपिक था. उम्मीद करता हूँ आप सबको मेरी बात समझ में आई होगी.